नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, सीएम नीतीश ने किया नदियों का हवाई सर्वेक्षण। आज से स्वास्थ्य विभाग में फेस बायोमेट्रिक के माध्यम से होगी उपस्थिति दर्ज। आज रुपौली उपचुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 10 राज्यों में 2000 पंचायत प्रतिनिधियों को कराया जाएगा एक्सपोजर विजिट। आज है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का जन्मदिन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बीएड संयुक्त परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया है। बीएड राज्य नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी द्वारा ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किया गया। इस वर्ष परीक्षा में सबसे अधिक 91,832 पुरुष अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, जबकि 88,218 महिला अभ्यर्थी को सफलता हाथ लगी है। वहीं हाजीपुर की अभ्यर्थी प्रीति अनमोल 102 अंकों के साथ राज्य की टॉपर बनी है। आज से स्वास्थ्य विभाग में फेस बायोमेट्रिक के माध्यम से होगी उपस्थिति दर्ज। आज सोमवार से स्वास्थ्य विभाग में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम से हाजिरी बनाने का ट्रायल शुरू किया जा रहा है। अब सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सक समेत सभी कर्मियों की उपस्थिति की सख्ती से स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए अब सदर से लेकर रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक के सभी कर्मियों की बायोमेट्रिक के अलावा फेस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। आज रुपौली उपचुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आज सोमवार शाम को बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार का शोर थम जाएगा। आरजेडी की ओर से बीमा भारती को रुपौली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं एनडीए की ओर से जेडीयू के कलाधर मंडल उम्मीदवार हैं। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है, तो वहीं 13 जुलाई को वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में सीटीईटी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, अलग अलग केंद्रों से पकड़े गए 30 फर्जी अभ्यर्थी। रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी में बिहार से फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। रविवार को राज्य के 16 जिलों में सीटीईटी का आयोजन किया गया था। बायोमेट्रिक जांच में 30 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं, जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। इनमें से 5 महिला परीक्षार्थी भी शामिल हैं। पटना जिले में 10 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। इनमें से बिहटा में 5, खगौल में 1, मनेर में 3 और दानापुर में 1 को हिरासत में लिया गया। वहीं सारण जिले में परीक्षा केंद्र से महिला अभ्यर्थी समेत 4 को हिरासत में लिया गया है, जबकि लहेड़िया सराय दरभंगा के 4 परीक्षा केंद्रों से 10 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 8 पुरुष व 2 महिला परीक्षार्थी शामिल हैं। बिहार में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, सीएम नीतीश ने किया नदियों का हवाई सर्वेक्षण। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, और वहीं उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है, जिस वजह से ये सरकार और आम लोगों के लिए चिंता का सबब भी बना हुआ है। वहीं इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान सीएम नीतीश द्वारा गंडक समेत अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के साथ ही कटाव एवं अन्य हालातों का भी जायजा लिया गया। कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा, नेपाल में जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश और बिहार में मॉनसून की सक्रियता की वजह से बिहार की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, और इस वजह से बिहार पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंडक, बागमती, कोसी, कमला, बलान जैसी नदियों में उफान बढ़ रहा है और कई स्थान पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में 100 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं गंडक नदी खड्ढा में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंडक नदी और कोसी नदी पर बने बराज के कई फाटक भी खोल दिए गए हैं, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी प्रवेश कर चुका है और कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। 10 राज्यों में 2000 पंचायत प्रतिनिधियों को कराया जाएगा एक्सपोजर विजिट। निर्वाचन पंचायती राज जन प्रतिनिधियों को पटना पंचायती राज विभाग उन राज्यों या जिलों का एक्सपोजर विजिट कराने की तैयारी कर रहा है जहां राज्य या जिला बेहतर काम कर रहे हैं। बाहरी एजेंसी के माध्यम से यह एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी द्वारा ओपन ई टेंडर के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाएगा।
लगभग 10 राज्यों जिसमें केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ओडिशा व उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में पंचायती राज विभाग द्वारा मुखिया का फर्स्ट हैंड किए जा रहे कार्यों का अनुभव कराया जाएगा। इसके तहत करीब 2000 लोगों को एक्सपोजर विजिट कराने का फैसला लिया गया है। बता दें कि जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक इसे कराए जाने की योजना है। बिहार विधानसभा की तैयारी में जुटी बीजेपी। 18 जुलाई को होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। 18 जुलाई को बिहार भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित कार्य समिति की बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। इनके अलावा पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों को भी शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी और साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अब डायल 112 पर कर सकेंगे FIR दर्ज होने में देरी की शिकायत। डायल 112 बिहार में सिर्फ आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही 112 पर FIR दर्ज होने में देरी, अनुसंधान में देरी, अपराधियों से संबंधित सूचना और महिला एवं बच्चों पर होने वाले अपराधों आदि की भी सूचना दी जा सकेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार डायल 112 को इसके लिए 1 महीने के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार डायल 112 को बिहार के नागरिकों के लिए एकल पुलिस हेल्पलाइन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके बाद बिहार वासियों को डायल 112 के माध्यम से फायर ब्रिगेड, पुलिस व एम्बुलेंस से जुड़ी आपातकालीन सेवाओं के अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम नीतीश के करीबी इस अधिकारी के JDU में शामिल होने की चर्चा हुई तेज। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चर्चित IAS अधिकारी मनीष कुमार वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं। खबरों के अनुसार कल मंगलवार 9 जुलाई को मनीष कुमार वर्मा JDU का दामन थाम सकते हैं। वहीं ऐसे खबरें आने के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज है कि मनीष कुमार वर्मा CM नीतीश के उत्तराधिकारी होंगे। बता दें कि मनीष कुमार वर्मा 2014 में पटना के जिलाधिकारी के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें पूर्णिया का DM भी बनाया गया था। मनीष कुमार वर्मा मूल रूप से CM नीतीश के गृह जिला नालंदा के रहने वाले हैं और नीतीश कुमार की जाति से आने के साथ ही उनके बेहद करीबी रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। मंत्री बनने के बाद सतीश चंद्र दुबे ने किया विकास का रोडमैप तैयार करने का वादा। केंद्रीय कोयला व खनन राज्य मंत्री बनने के बाद राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे पहली बार अपने गृह जिला पश्चिम चंपारण पहुंचे, जहां 1.25 क्विंटल लड्डू व फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान महिलाओं ने चंदन टीका किया। वहीं मौके पर राहुल सिंह व रानू सिंह द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय मंत्री को माला और अंग वस्त्र भी भेंट किया गया। इस दौरान दुबे ने बेहतर कार्य करने का वादा किया और वाल्मीकि नगर के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने का भरोसा जताया है। महंगाई को लेकर मोदी और नीतीश सरकार पर तेजस्वी ने साधा निशाना। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी और नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब हो गई है। कोई भी सब्जी इन दिनों 45 रुपये किलो से कम दाम में नहीं मिल रही। दाल, चावल, नमक, तेल, घी जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे आम आदमी की रसोई का पूरा बजट ही बिगड़ गया है। तेजस्वी यादव ने इस महंगाई को सरकार प्रायोजित बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे न तो किसानों का और न ही आम आदमी का फायदा होता है। तेजस्वी यादव और RJD पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और RJD पर हमला करते हुए कहा है कि आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आज इस देश में RJD से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए आगे कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ना कुछ पढ़ा है और न ही कुछ समझा है। उन्हें किसी विषय का ज्ञान नहीं है। जब उनसे रोजगार पर सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं भाजपा को रोको। जब शराब माफिया और बालू माफिया पर बोलने को कहा जाता है तो कहते हैं जातीय जनगणना करवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर बोलना है और दूसरे पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप करना है, यही तेजस्वी यादव का काम है।
तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। पिछले कई दिनों से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव बिहार के नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी के बिहार में अपराध पर बुलेटिन जारी करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले 90 के दशक को याद कर लें, जब बिहार में उनके माता पिता की सरकार थी। उन्होंने आगे कहा कि चोरी के खिलाफ अगर कोई चोर बोले तो अच्छा नहीं लगता है। आज है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का जन्मदिन। आज भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली का जन्मदिन है। गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के उन कप्तानों में से गिने जाते हैं जिन्होंने टीम इंडिया की किस्मत बदल दी और आज भारतीय क्रिकेट टीम जहां भी है उसका बहुत हद तक श्रेय पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को दिया जाता है। सौरभ गांगुली को वो कप्तान माना जाता है जिसने न सिर्फ भारत को जीतना सिखाया है बल्कि विदेशी जमीन पर भारत की धाक भी जमाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद असगर कमाल, संजय कुमार, कुश कुमार यादव, अनबर करीम खान, सादुल्लाह पालवी, राकेश मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद जाकिर हुसैन, राम बाबू दास, मुकेश कुमार, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नौसाद रजा, बाबुल मरांडी, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली कैसे कप्तान थे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।